हैप्पी टीचर्स डे। मैं उन सारे तमाम गुरुओं को, शिक्षकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही खुशी भरा दिन है, क्योंकि आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। और उन सारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार, जिन्होंने मेरे चैनल पर दिया है और मेरे साथ ये आज प्यार बना कर रखा है। दोस्तों, मैं आज से एक नई अभियान, एक नई चुनौती के साथ आगे शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल में अपना एक डिजिटल बोर्ड लगाया है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा नया मेहमान है, जिसके माध्यम से आगामी जो भी वीडियो हम आपको डालेंगे, इस सारे इसी बोर्ड पर आपको हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, अपकमिंग जो भी वीडियो होगा वो काफ़ी आपको पसंद आने जा रही है। आपको एक टारगेट के साथ, आपको एक एम्बिशन के साथ हम आपको इस चैनल पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो आपके लिए अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, BPSC TRE 4, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो भी TRE 3 और TRE 2 में जो भी पेपर्स अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, पेपर्स की सिलेबस तो मालूम ही नहीं है, BPSC कभी जारी ही नहीं करता है, तो उस हिसाब से देखते हुए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आगे पढ़े तो क्या पढ़े, क्या कुछ भी पढ़े, क्योंकि इतनी अथाह सागर है इंग्लिश की, लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कौन से टर्म्स को, कौन सी ग्रामेटिकल टर्म्स को, कौन से लिटरेचर टर्म्स को हमें पढ़नी चाहिए कि हम जाकर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम को क्रैक कर सकें। इन सारी स्ट्रैटेजी को बनाते हुए आने वाले अपकमिंग वीडियो रहेगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है BPSC का, आखिर क्या पढ़ना है, क्या हमें सारा शेक्सपियर की बुक पढ़नी है, क्या हमें सभी WB Yeats की बुक पढ़नी है, नहीं दोस्तों, उसमें से जो फेमस बुक्स हैं, उसमें से जो फेमस राइटिंग है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो उसके पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहले आप सभी को वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे, और उन सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक सिलेबस बताते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि स्टेट, जब आप स्टेट एग्जाम दिए होंगे तो उसमें बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो उस ब्रॉड सिलेबस को पहले देखते कि है क्या वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस ब्रॉड सिलेबस को कैसे हम डील करेंगे, है ना, तब उसके बाद जाके हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या पढ़े। तो पहले हम लोग खोल लेते हैं स्टेट जो एग्जाम से सिलेबस वही है सारा कुछ, आप देखेंगे सिलेबस एक देखेंगे तो सारा कुछ सिलेबस वही है आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश पोएट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री में बहुत सारे पोएम्स हैं, तो आप देखेंगे स्पेंसर का सोनेट नंबर 67, लाइक एज अ हंट्समैन, लाइक एज अ हंट्समैन आपको एग्जाम से पूछी जाती है। लेकिन स्पेंसर सोनेट, आप जो BPSC की एग्जाम देते हो तो स्पेंसर के सोनेट 67 एग्जैक्ट नहीं पूछी गई, लेकिन स्पेंसर की राइटिंग पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियर ने सोनेट कितना लिखा है, शेक्सपियर ने सोनेट 154 लिखा है दोस्तों, 154 लिखा है, लेकिन उस 154 में अब आप देखोगे कि 154 में आप देखोगे कि उसमें से इंपॉर्टेंट जो आपका है कौन कौन से सोनेट रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर एस्टेट की अगर हम बात करें तो एस्टेट जो है आपका बता रहा है यहाँ पर एस्टेट, देखोगे आप यहां से इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे तो 127 की बात कर रहा है, तो 127 ही हमें BPSC में पूछे, नहीं दोस्तों, सोनेट में से कोई भी सोनेट आपको पूछी जा सकती है, जॉन डॉन की द सन राइजिंग भी है, हाँ? तो इस तरीके से बहुत सारे हम ब्रिटिश लिट पोएट्री को कवर करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट राइटर को, इम्पॉर्टेंट राइटिंग को कवर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स में वो हर क्वेश्चन मैच कर सके, वो हर क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम्स में आप जो पूछी जाती है आप जान सको। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
विलियम वॉर्ड्सवर्थ, फिलिप लर्किन, सीमस हैनी, टीएस एलियट, डब्ल्यू वीट्स, अर्नॉल्ड, इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ब्रिटिश ड्रामा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा देखेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही फेमस आपका देखेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स, फेमस आपका क्या है ड्रामा है क्या, लेकिन बीपीएससी क्या डॉक्टर फॉस्टर्स ही पूछेगा? नहीं, लेकिन जो राइटर फेमस है क्रिस्टोफर मार्लो उनकी कौन सी बुक से पूछी जाएगी ये हम बताएंगे आपको अपकमिंग वीडियो। शेक्सपियर का मैकबेथ, दोस्तों एज यू लाइक इट से बहुत सारे एक स्टेटमेंट दे दी गई थी और उससे क्वेश्चन पूछी गई थी मैकबेथ। तो इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे। अफारा वेन का द रोवर है, विलियम कॉनग्रीव का द लव फॉर लव, इस तरीके कोशिश करेंगे कि आपका जो एस्टेट का सिलेबस है उसको उन सारे राइटिंग को कवर कर दें और साथ ही साथ जो उनकी फेमस राइटिंग उस राइटर की फेमस राइटिंग को भी कवर करें। उसके बाद ब्रिटिश प्रोज में अगर देखेंगे यहाँ पर तो फिक्शन हिस्ट्री ऑफ प्रोज एंड फिक्शन दे रखा है डैनियल डेफो का रॉबिंसन क्रूसो वेरी फेमस, जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस ये बहुत ज्यादा ही फेमस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज, एमिली ब्रॉनेट का वेदरिंग हाइट, जॉर्ज एलियट का सिलास मार्नर, इस तरीके से बहुत सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे जिसमें ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन की रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फिलिप सिडनी, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, विलियम वॉर्ड्सवर्थ, इनकी सभी राइटिंग भी दे दिया है स्टेट में तो सिलेबस थोड़ा सा मीन्स इजी कर दिया, लेकिन बीपीएससी का जो ब्रॉड एरिया है ना वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज पजल्ड कर रहा है कि पढ़ ही तो क्या पढ़े। तो इन सारे चीजों तमाम हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंडियन पोएट्री, अब यहाँ पे इंडियन पोएट्री में आप देखेंगे आर एन टैगोर, सरोजिनी नायडू, कमला दास, नसीम एबेकी, इस क्या सारा पढ़ना है? नहीं दोस्तों, सारा नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें से उनकी फेमस राइटिंग और जो हम सबसे बड़ी चीज अपने चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस करवाएंगे प्रीवियस ईयर जो डिफरेंट स्टेट में जो एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स की पेपर को में से क्वेश्चंस को निकाल कर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत सारे देखा मैंने क्वेश्चंस में कि बहुत सारे पेपर्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर हम दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड सिक्स और स्टैंडर्ड सिक्स एट की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर ओपन फाइल तो सिक्स टू एट वाले देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न पूछने का क्या क्या है, कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या है। तो पहले आप देखेंगे तो 35 जो है आपका क्वेश्चन 35 लिटरेचर से है, 35 क्वेश्चन किससे है लिटरेचर से। उसके बाद 25 क्वेश्चंस आपका पैसेज से मिलेगा, 25 क्वेश्चंस आपको किससे मिलेंगे पैसेज से मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो बच गया क्वेश्चंस वो ग्रामेटिकल से रहेंगे आपका, फिर उसके बाद आप देखेंगे इडियम्स रहेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन रहेगा, बहुत सारा ये सभी ग्रामेटिकल टर्म्स हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये जो आपका इंग्लिश का टोटल कितने मार्क्स का होता है, एक मिनट, ओके, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा ओपन है फाइल, तो हमें कौन सा फाइल ये करना था, ठीक है, ये ओपन है, ठीक है।
एक्चुअली थोड़ा सा ऑपरेट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो टोटल हम देखेंगे, अगर हम बात करें तो टोटल कितनी हुई, 35 अगर देखिए जाए तो लिटरेचर सेक्शन से अगर हम बात करें तो आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, लिटरेचर सेक्शन से 35 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर हम देखें पैसेज अगर हम लोग बात करें तो पैसेज सेक्शन से आपका 25 है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चंस यहां से बन गई, बाकी जो क्वेश्चंस आपके हैं 20, और 20 में जो ग्रामर हो गया है ना, तो ग्रामर आपका 20 है। अब ये ग्रामर में 20 में इडियम्स हो गया है ना, इडियम्स हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, फिलर हो गया, सिनोनिम हो गया, तो इस तरीके से हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल अगर आपको स्कोरिंग करना है तो अगर आप पैसेज 25 में से 20 लेकर आ जाते हैं तो दैट्स अ गुड फॉर अस, ओके। ग्रामर सेक्शन में से 20 में से अगर हम लोग 15 कवर ऑन कर लेते हैं तो बेटर है, और लिटरेचर सेक्शन में से अगर आप 25 कर लेते हो, 25 ही रेशियो लेके जाते हो तो कितना हो जाता है 10, ओके, 2 × 2 = 4 = 5 = 60 आ जाता है, 60 आपका इंग्लिश से कवर हो जाएगा। और अगर 20 आप कर लेते हो 30 या 20 जीएस सेक्शन से तो 90, इट्स एनफ फॉर योर क्वालिफाइड योर एग्जामिनेशन पास आउट करने के लिए। बट इसमें हम लोग और देखेंगे ये जो सेक्शन है लिटरेचर सेक्शन, पैसेज, ग्रामर, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे। इससे ज़्यादा मैंने तो ये मिनिमम बताया, ठीक है, इससे ज़्यादा कवर अप करेंगे। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ और देखते रहें इंडिगो क्लासेस को। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चीज़ों को कि पढ़ना क्या है, क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस आपको पता है, नहीं तो सिलेबस को जानेंगे। तो सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट अपकमिंग जो हम आपको जो भी वीडियो डालेंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को डालेंगे, ठीक है, क्या पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले कवर अप करेंगे कुछ सिलेबस, ग्रामर सेक्शन मैंने कुछ वीडियो डाला है 10 से रिलेटेड, आप देख लेंगे जाके चैनल पर। तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, कैसे बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए आप देखोगे, आप यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चंस मैं अभी निकाल कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, खुल गया सेंसिंग, खुल गया। अगर आप देखोगे ये सारे कुछ देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो आप देखोगे कि इसमें देखो इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, ये आपका इडियम्स दे रखा है। हम उन सारे इडियम्स को भी कवर अप करेंगे जो स्पेशली बीपीएससी को लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस बनानी चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखोगे इडियम्स के बाद ये पैसेज वगैरह है, पैसेज है ना, पैसेज काफी ज्यादा 6-8 में इस बार पैसेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहे, लेकिन 9-10 और 11-12 काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा था, है ना। आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे रिलीजन्स के बेस्ड पर था, इथिकल्स थे, इकोनॉमिकल बेस्ड थे, तो इस तरीके के पैसेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बट 6-8 का कॉमन पैसेज था, बनाने लायक था पैसेज, और क्वेश्चंस भी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा लिटरेचर सेक्शन को क्या कर रहे हैं ना, क्यों लेवल को हाई कर रहे हैं, लेवल हाई करने की वजह से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। ग्रामर पढ़ के जाते हैं बच्चे तो लिटरेचर पूछ दिए जाते हैं, लिटरेचर पढ़ के जाते हैं तो ग्रामर पूछ दिए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बाय द वे हम अपने चैनल पर सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और डिस्कस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, आप बने रहें, सिर्फ अपना प्यार देते रहें। अभी थोड़ा डिजिटल कोर्स थोड़ा नया है दोस्तों, तो मुझे थोड़ा सा इसे ऑपरेट करने में क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी हम सीख जाएंगे,
डोंट वरी, आपका प्यार बना रहना चाहिए, है ना जी। प्यार बनेगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। अरे भाई बताइए, प्यार जब बना रहेगा तो क्या होगा, यही होगा कि मैं एनर्जेटिक फील करूंगा और आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो अपकमिंग वीडियो हम आपके किसी प्रैक्टिस या फिर टेंस को ही कवर अप करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म कर चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को खत्म करते हैं, उसका एक्सरसाइज करवाते हैं। वैसे क्वेश्चंस को करेंगे जो बीपीएससी के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछी गई या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी गई। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू।